पीस ऑफ वुड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहली चीज़ ये रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.25 है, इज डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि कितनी है 1000। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी 1000। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वुड की वैल्यू आ जाएगी 0.25 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर का क्यूब। फ्लोट्स इन अ बकेट कंटेनिंग ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ऐसे ही ऑयल की जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, 0.81 इंटू 10 रेज टू पावर 3 केजी पर मीटर का क्यूब। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वुड अबव द सरफेस ऑफ द ऑयल। तो जो वुड है ना वो ऑयल के अंदर तैर रही है, तो ये ऑयल है और ये वुड है, ये क्वेश्चन है। तो ये तैर रही है, इसके ऊपर कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम हवा में है। तो मान लो अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो वी डैश हवा में है, तो बाकी कहां पर है, ऑयल में। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कितना फ्रैक्शन अबव द सरफेस ऑफ द ऑयल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम हवा में है, वी डैश है, और टोटल वॉल्यूम कितना है, वी है, तो कितना फ्रैक्शन हवा में है, वी डैश बाय वी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये मुझे निकालना है। अब इसमें ये बॉडी तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो आर्कमिडीज का फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगा सकते हैं। क्या है आर्कमिडीज का फ्लोटिंग प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का फ्लोटिंग प्रिंसिपल है कि जब ये तैरेगी तो ऑयल डिस्प्लेस करेगी, तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस में बताओ वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस कितना है, v माइनस v डैश इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू g। क्या स्टेप क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू g इज इक्वल टू होल वेट में क्या आएगा, होल वेट में होल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वुड इनटू g। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। ऐसे सीखा था हमने, आर्कमिडीज क्लियर है यहां तक, कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी, क्योंकि यहां पर लिक्विड में कौन डिस्प्लेस हो रहा है, ऑयल डिस्प्लेस हो रहा है, तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस इज होल वेट ऑफ द बॉडी। जी से जी कैंसिल, इसमें वैल्यूज पुट करें और मुझे बताएं वी डैश बाय वी की क्या फ्रैक्शन आ रही है, सॉल्व करें, वैल्यूज पुट करें, वी डैश बाय वी की क्या वैल्यू आ रही है चेक करें। डेंसिटी दोनों गिवन है आपको और चेक करें। कितना 0.69, तो फ्रैक्शन चेक करो 0.69 आना चाहिए, ऐसे आ रहा है, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, मेथड क्लियर है, वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, 7 में एक बार सोचे क्या क्वेश्चन में गिवन है और कैसे लगाना है।
देखो इसमें बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 एंड ब्रेथ 2 मीटर, तो जो बोट का एरिया है ना वो 3/2 का एरिया है, इज फ्लोटिंग इन अ लेक, ठीक है, एक लेक के ऊपर ना एक बोट फ्लोट कर रही है, ठीक है, बात खत्म। तो फ्लोट ने अपने जितना जो कुछ वाटर डिस्प्लेस किया होगा इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, बात खत्म। बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर, बोट नीचे दब गई 1 सेंटीमीटर, कब, जब इसके ऊपर एक मैन आ गया। तो 1 सेंटीमीटर बोट क्यों नीचे गई, क्योंकि मैन ने बोट को दबाया, बोट ने पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी अगर ये बोट है जिसका जो एरिया है ना, जो पीछे का एरिया है कुछ ऐसे बेस का एरिया बोल सकते हैं, जो कि कितना है 3/3 मीटर/2 मीटर है, ये अच्छी भली तैर रही थी, लेकिन क्या कर रही थी वो पहले की बात है। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये 1 सेंटीमीटर और डाउन चली गई, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 सेंट, थी तो ये पहले भी नीचे पर 1 सेंटीमीटर नीचे चली गई जब इसके ऊपर क्या आ गया, मैन आ गया। तो ये बताओ ये 1 सेंटीमीटर जब नीचे गई तो इसने 1 सेंटीमीटर जितना, इतना लिक्विड जितना भी होगा 1 सेंटीमीटर जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया। नो डाउट बोट पहले भी तैर रही थी, लिक्विड ये पहले भी डिस्प्लेस कर रही थी, अब ये ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, क्यों, क्योंकि मैन आ गया इसके ऊपर, मैन ने बोट को दबा दिया, बोट ने और पानी डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, मैं एक्स्ट्रा वाटर बोल रहा हूं डिस्प्लेस्ड, वो क्यों, क्योंकि पानी तो पहले भी डिस्प्लेस कर रही थी बोट अपने वेट जितना, पर यहां पर एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि मैन ने उसको दबाया और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और चला गया। अब मैन भी तो तैर रहा है ना, चाहे बोट के सहारे तैर रहा है, तैर तो मैन भी रहा है। तो वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ, क्या कर सकते हैं यहां पर मैन के वेट को, क्योंकि मैन तैर रहा है तो मैन के वेट को किसने बैलेंस किया, अपथ्रस्ट ने, और वो कौन सा अपथ्रस्ट, जो पहले का अपथ्रस्ट था उसने तो बोट को बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि जो पहले जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ हुआ है, जब पहले बोट तैर रही थी वो बोट को बैलेंस कर रहा है, अब जब मैन आ गया तो मैन ने एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस किया, एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस का मतलब एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लगा, एक ही बात है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस या अपथ्रस्ट तो एक ही बात है, तो मैन ने जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट जनरेट किया उसको मैन के वेट ने क्या कर लिया, बैलेंस। तो बोट का हिसाब होता होगा पानी के साथ वो अलग है, यहां पर प्रॉब्लम किसके साथ सॉल्व की जा रही है, मैन के साथ। तो मैन ने जो अपना वेट लगाया mg, उसको एक्स्ट्रा पानी जो मैन ने डिस्प्लेस किया उसको उसने बैलेंस कर दिया, तो मैन भी तैरेगा। तो ये बताओ कि वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस्ड क्या है। अब मैन के आने की वजह से बोट 1 सेंटीमीटर नीचे चली गई, 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01 मीटर नीचे चली गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड कितने हैं 0.01 × 3 × 2, दिस इज वेट ऑफ, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये क्या चीज है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है इनटू किसका वेट निकल रहा है, वाटर का, तो डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, वाटर की, और वाटर की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट क्या है 1000 × g, ये मैंने क्या निकाल दिया, वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस्ड, एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बोट नीचे जा रही है तो एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस्ड है, कोई डाउट, दिस मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द मैन या होल वेट ऑफ द बॉडी, जिसने अपथ्रस्ट किया, ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ द मैन कितना है mg, सॉल्व कर लो, इसका आंसर है 60 kg, चेक कर लो आंसर। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, तो लॉजिक यही है कि जब मैन इसके ऊपर आएगा तो मैन एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस करेगा, और वो एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस हुआ उसने मैन के वेट को क्या कर लिया, तो मैन का हिसाब एक्स्ट्रा पानी के साथ कर दिया हमने, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट, वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो नीचे चला गया पानी का, जितनी बोट एक्स्ट्रा नीचे गई उतने पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, तो पानी का वॉल्यूम इतना है इनटू डेंसिटी ऑफ पानी इनटू जी, बोट का वॉल्यूम तो नीचे गया वही उतना ही पानी का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, ये शेडेड वॉल्यूम बोट का नीचे गया इतना पानी डिस्प्लेस हो गया वॉल्यूम, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8,
मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना। देखो क्वेश्चन है, व्हेन अ रॉक ऑफ मास 240 केजी इज प्लेस्ड ऑन द आइसबर्ग फ्लोटिंग इन अ सी वाटर, इट वाज फाउंड दैट द आइसबर्ग जस्ट सिंक्स। एक आइसबर्ग ना तैर रहा था, लेकिन जब इसके ऊपर एक रॉक रख दी ना 240 किलो की, तो आइसबर्ग जस्ट सिंक्स। जस्ट सिंक समझते हो? जस्ट सिंक का मतलब है कि अगर ये आइसबर्ग पहले ऊपर था, अब आइसबर्ग बिल्कुल पानी की सरफेस के नीचे आ गया। कब? जब इसके ऊपर हमने क्या रख दी? एक रॉक रख दी। तो ये सिचुएशन हो गई। तो ये आपका लिक्विड है, तो आइसबर्ग पानी में चला गया। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो पहले आइसबर्ग तैर रहा था, तैरने दो, लेकिन जब रॉक को रख दिया तो आइसबर्ग पानी के नीचे चला गया। ये सिचुएशन हो गई। पर तैर तो अब भी रहे, रॉक और आइस दोनों तैर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है, दोनों मिलकर तैर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो मास है इसका वो 240 केजी है, और आपको ये गिवन है, आपको निकालना है कि इसका मास क्या होगा, आइस का मास, आइसबर्ग का मास क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइसबर्ग का मास निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ आइसबर्ग एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस गिवन है। तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो जाएगी, इसको वाटर की डेंसिटी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ऐसी डेंसिटी ऑफ सी वाटर, वाटर की डेंसिटी भी, डेंसिटी ऑफ, हाँ, सी वाटर गिवन है 1.02 इनटू 1000 केजी पर मीटर का क्यूब, दोनों चीजें गिवन है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन मिलता जुलता लगता है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बोट वाला, जब मैन
बोट के ऊपर आया तो उसने एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन हल्का सा इसलिए फ़र्क है क्योंकि उसमें बोट का मास इन्वॉल्व नहीं किया हमने, क्योंकि बोट का मास उसमें पूछा ही नहीं था। इसमें क्या पूछ लिया? आइसबर्ग का मास पूछा, तो हमें अब आइसबर्ग को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ इसमें, बड़ा सिंपल हिंट है, बस ये बता दो क्या ये दोनों मिलके तैर रहे हैं? आइस और रॉक तैर रहे हैं ना, तो तैरने का फ्लोटेशन प्रिंसिपल लगा लें। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है? वेट ऑफ रॉक प्लस वेट ऑफ आइसबर्ग मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड बाय, कौन कर रहा है? आइसबर्ग। पानी डिस्प्लेस कौन रहा? रॉक तो कर नहीं रहा, कौन कर रहा है यहां पर? आइसबर्ग, क्योंकि आइसबर्ग पानी के नीचे है तो उसे पानी डिस्प्लेस कर दिया। क्या स्टेप क्लियर है? आधा क्वेश्चन मैं करता हूं, आधा क्या, आधे से ज्यादा मैंने कर ही दिया, और आधा कर देता हूं, आधा आप कर दो। वेट ऑफ रॉक भी मैं निकाल दूंगा 240 g mg, और मान लो ये m है तो ये भी मैं निकाल दूंगा mg। बस आप मुझे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय आइसबर्ग निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो लगाओ फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय आइसबर्ग, ठीक है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस तो निकाल लो, पर एक प्रॉब्लम है, आपको वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस चाहिए होगा इसमें। देखो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइसबर्ग, ठीक, इनटू डेंसिटी ऑफ क्या? वाटर, वाटर, बिल्कुल ठीक, वाटर इनटू जी, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड में डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही आएगी, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है तो डेंसिटी लिक्विड की ही आएगी, और यहां पर लिक्विड कौन डिस्प्लेस हो रहा है? सी वाटर। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये स्टेप क्लियर है? तो अगर मैं आपको वॉल्यूम बता दूं आइसबर्ग का, आइसबर्ग ने जो पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, आंसर आ जाएगा। तो बताओ वॉल्यूम क्या पुट करें? यहां तक तो स्टेप क्लियर है ना? हाँ, मास अपॉन डेंसिटी, राइट, मास बाय डेंसिटी। तो यहां तक क्लियर है? 240 g प्लस mg इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय आइसबर्ग। बोलो क्या पुट करूं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 1.02 इंटू 1000 इंटू जी, जी से जी क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल। यहां वॉल्यूम बोलो क्या पुट करना है? हाँ, मास बाय डेंसिटी। बोलो मास कितना पुट करूं? m, कितने लोग एग्री करते हैं कि m? ओके, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की कि आइसबर्ग की? कितने लोग बोलते हैं कि आइसबर्ग की, वाटर की नहीं? राइट, वो इसलिए क्योंकि आप एक बात बताओ, कई लोग मुझे कह रहे थे दूसरे बैच में कि सर आपने कहा था डेंसिटी में लिक्विड की पुट करते हैं यहाँ पे, भाई लिक्विड की करते हैं यहाँ पे, कर तो दी, वेट ऑफ लिक्विड में डेंसिटी लिक्विड की है, बिल्कुल सही है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय आइसबर्ग में जितना वॉल्यूम आइसबर्ग का लिक्विड में है, कितना वॉल्यूम है, ये पूरे का पूरा वॉल्यूम आइसबर्ग का लिक्विड में चला गया, तो अगर मैं आइसबर्ग का वॉल्यूम बता दूं उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ होगा, एक ही बात है। तो आइसबर्ग का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वो क्या आएगा? मास डिवाइडेड बाय आइस की डेंसिटी 0.9 इंटू कितना, 1000, ऐसे। तो यहां पर मास अपॉन 0.9 इंटू 1000। तो सॉल्व करके चेक कर लो, जरा मास क्या आ रहा है, आंसर चेक कर लो, m की वैल्यू आएगी।
बात समझ में आ रही है यहां तक कैसे करना है? ठीक है, इसको ट्राई करो प्लीज। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? अच्छा ठीक है, ये आंसर नहीं आ रहा। ओके, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, आधा क्वेश्चन करता हूँ आधा आप करना। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। तो एक ना क्यूबिकल ब्लॉक है और जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी साइड ए 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बेस 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का बेस है, ऐसा है, हाइट भी इसकी 10 है। अब वो कह रहा है कि इंटरफेस है ऑयल का और वाटर का, ये तैर रहा है, क्यूब तैर रहा है, ऑयल और वाटर दोनों सरफेसेस में इंटरफेस के आसपास तैर रहा है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है 0.6 है सिर्फ, और डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डिफॉल्ट क्या होती है सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की कि ऑयल की? वाटर की, एक 1 है 1.6 है। तो जब ये ऑयल और वाटर दोनों तैरेंगे या इकट्ठे होंगे तो कौन नीचे होगा लिक्विड, ऑयल की वाटर? नीचे वाटर होगा क्योंकि भारी है, डेंसिटी ज्यादा है, तो नीचे क्या है, वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, और ऊपर क्या है, ऑयल है। ऑयल में डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी इक्वल टू क्या, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे तैर रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, ये कुछ ऐसे तैर रहा है कि 4 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितने, 4 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर होने वाला है क्योंकि टोटल 10 है। तो हाइट्स आपको दे दी उसने 4 और 6 जो भी देनी थी। व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक, इस क्यूब का मास निकालना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बॉडी तैर रही है ना, तैरने का क्या प्रिंसिपल है, इसमें फ्लोटेशन प्रिंसिपल है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड प्लस वेट ऑफ
oil displaced, weight of water displaced plus weight of oil displaced, क्योंकि दो दो लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, इज इक्वल टू होल, हाँ वेट ऑफ बॉडी, मास नहीं बोलना, वेट बोलना है. तो वेट ऑफ द बॉडी में क्या आएगा, एम जी, आपको एम निकालना है. तो अगर आप मुझे ऑयल का और वाटर का वेट निकाल दें डिस्प्लेस्ड, आंसर आ जाएगा. क्लियर है? तो चेक करें, सबसे पहले बताएं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, बताएं. 10 × 10 × 4, क्योंकि वाटर का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना क्यूब वाटर के अंदर है. क्यूब वाटर में 10 × 10 × 4 है, तो वाटर का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, जो कि 1 होती है. सही है? अब वेट ऑफ ऑयल निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या है, बोलो, 10 × 10 × 6, 10 × 10 × 6, राइट, इनटू डेंसिटी ऑफ कितनी, ऑयल इनटू जी इज इक्वल टू एम जी, जी 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 कैंसल. तो इसमें ऑयल और वाटर की जरा डेंसिटी पुट करें और एम निकालने क्या आ रहा है, कितना, यही आ रहा है, यही आएगा सीजीएस में. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. पीस ऑफ ब्रास, जिंक एंड कॉपर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है. वेस 12.9 ग्राम इन एयर, 12.9 ग्राम इन एयर, पूरी तरह पानी में डुबो दिया, तैर नहीं रहा, डुबो दिया, तो वेट कितना हो गया, 11.3 ग्राम कम हो गया. तो इसमें क्या लगेगा, फ्लोटेशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा, इसमें लॉस इन वेट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इसमें ये लगेगा. तो लॉस इन वेट तो मैं निकाल दूंगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस आप निकाल देना. तो इसमें क्या करना है आपको, तो आपको दोनों का मिक्सचर गिवन है, इतना एयर में है, इतना लिक्विड में है. व्हाट इज मास ऑफ कॉपर कंटेंट इन द अलॉय, तो इमेजिन कर लेते हैं, लेट एम इज मास ऑफ कॉपर, तो हवा में वेट है कितना, 12.9, माइनस एम इज मास ऑफ जिंक, ठीक है, टोटल 12.9 है, तो अगर एम कॉपर है तो बाकी बचा हुआ जिंक है. ठीक है यहाँ तक? तो हम ये लगा सकते हैं इसमें लॉस इन वेट
इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉप वेट ऑफ वाटर वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर प्लस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय जिंक. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ऐसे होगा ना, क्योंकि जो लॉस इन वेट है वो क्या कर रहा है, लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में दो दो आइटम्स हैं इसके अंदर, अलॉय के अंदर दो दो आइटम्स हैं, तो दोनों की दोनों वाटर को क्या करेंगी डिस्प्लेस, कॉपर अलग करेगा और जिंक अलग करेगा. राइट, कर सकते हो आगे सॉल्व, हो गया आंसर आ गया. क्या करेंगे लॉस इन वेट बोलो क्या होगा, 12.9 g वेट करना 980 g लगाना इसमें माइनस 11.3 g लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय कॉपर में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर आएगा. देखो वॉल्यूम ऑफ क्योंकि जितना कॉपर पानी में होगा उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी एक ही बात है इनटू डेंसिटी क्या क्योंकि वेट किसका निकल रहा है वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. ऐसी यहां पर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ जिंक आएगा इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, डेंसिटी इसमें जो है वाटर की आएगी लेकिन वॉल्यूम कॉपर का और जिंक का आएगा अपना अपना, क्योंकि जितना कॉपर का वॉल्यूम पानी में है उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी डिस्प्लेस्ड है, जितना जिंक का वॉल्यूम है उतना ही पानी का वॉल्यूम भी सेम है. ठीक है, तो यहां से 12.9 इनटू जी माइनस 11.3 इनटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर बोलो क्या होगा मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर, क्योंकि वॉल्यूम कॉपर का निकल रहा है तो कॉपर की डेंसिटी इनटू पानी की डेंसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाटर की हो रही है प्लस ऐसी वॉल्यूम ऑफ जिंक में आएगा 12.9 माइनस एम मास ऑफ जिंक अपॉन डेंसिटी ऑफ जिंक इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. जी 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 कैंसल, डेंसिटीज आपको पता है क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है, तो जिंक की डेंसिटी आएगी 7.1 × 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, पानी की डेंसिटी 1 ले लो सीजीएस में आ जाएगा. ऐसी डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या आएगी इसमें 8.9 × 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटीज को पुट कर लेना सॉल्व कर लेना यहां से मास की वैल्यू आ जाएगी आंसर.